एज एडसमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल विद रेफरेंस टू गाइडलाइंस एज प्रिवेंशन कंट्रोल मोनिटरिंग असमेंट्स उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हमें इसकी गाइडलाइन कालम ना हो और गाइडलाइन हम कहाँ से लेंगे डेफिनेटली कुछ स्टैंडर्ड से लेंगे कुछ अथॉरटीज से लेंगे और वो जो अथारटीज़ हैं उसमें आकोपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे इन लोग इन चीज़ों का मकसद आर्गनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल लेवल पर उनको कंट्रोल करना अवेलुएट करना और मैनेज करना है यहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं इसके कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं द स्टैंडर्ड्स विद विच मैनुफेक्चर मस्ट कम्प्लाई इज फोर्टी फाइव सी एफ आर एट फोर अब ये बेसिकली है क्या ये एक स्टैंडर्ड है जो स्टैंडर्ड्स हमें बता रहा है कि आप लोगों ने किस तरह जो हैज़र्ड है उसको मैनेज करना है ये जो दो पॉइंट्स हैं इनका ये मकसद है आपके जो रेस्पिरेटर्स हैं एयर फिल्टरिंग एंड एयर सप्लाइंग अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको पेश नहीं आएगी डी स्टूडेंट्स विक्टोरियल इफेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है व्हाट आज दीज ऑक्सीजन एंड हेलमेट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विदिंग व्हाट आर दीज थिंग्स दीज आर पिक्टोरियल इफेक्ट अगर इन सब चीज़ों को अगर आप पहनते हैं एयर पैक रेस्परेटरी सिस्टम आपका बेहतरीन काम करेगा ओके कम टू द सेकेंड स्टेज स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन मैंने आपको बताया है कि उस वक्त तक हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैजट्स को कंट्रोल असमेंट प्रिवेंशन नहीं दे सकते जब तक इन स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट ना किया जा सके और इम्प्लीमेंट ना किया जा सके स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू टॉक्सिक सबस्टांसिस कम फ्रामा नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्स प्रमिनेंट ये नीचे दिए गए हैं कुछ एयर एक्ट है आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन केमिकल्स हैं और इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इंशोर करना है जो कि लास्ट पॉइंट है वो बेसिकली ई पी ए क्लिन एयर एक्ट है अगर इनको हम सर्च करें तो इनका मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स को नीट एंड क्लिन एयर प्रोवाइड की जा सके ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन केमिकल प्रोसेस गाइडलाइंस अब ये सारी गाइडलाइंस का मकसद आर्गनाइजेशन के अंदर इक्विपमेंट केमिकल रिलेटेड हैजर्ड्स उनको मेंटेन करना आइडेंटिफाई करना ऑपरेट करना मैनेज करना है इनको वन बाई वन हम देखते हैं कंपाइलिंग प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन मेंटेनिंग सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अब लास्ट अगर देखें कंडक्टिंग सेफ्टी कम्प्लाइंस ऑडिट्स इन सब के दो एस्पेक्ट्स हैं एक पहला आपने आर्गेनाइजेशन के अंदर इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अवेलुएट करना है कि जब चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केमिकल हैजर्ड्स को तो उसके केमिकल हैजर्ड्स पैदा हो सकती हैं डेफिनेटली अगर आप लोग मुख्तु केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है या प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं इनको देखना इंश्योर करना इम्प्लीमेंट करना और इन सब को अगर आप लोग आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के केमिकल स्टैंडर्ड से डील करेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी अब जो इसका लास्ट पार्ट है डी स्टूडेंट्स इसमें यह बयान किया गया है कि जो आर्गनाइजेशन के अंदर बेसिकली ई पी ए क्लीन एयर एक्ट है वो किन चीज़ों को डील कर रहा है इसमें पहला पॉइंट है सुपर फंड अमेंडमेंट्स एंड रीआथोराजेशन एक्ट ये बेसिकली एक्ट एमरजेंसी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की एमरजेंसी नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लीन एयर एक्ट से ली हैं जैसा कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन है उसी तरह क्लीन एयर एक्ट है अगर आप 100% परसेंट क्लीन एयर एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हेजारडस प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग हैज़र्ड असमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल उसको आप काफ़ी हद हाँ तक कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे